गई यूपी विधानसभा। विधानसभा में ई विधान सिस्टम लागू, पेपरलेस हुई यूपी विधानसभा, सभी सीटों पर लगे टैबलेट। 23 मई से शुरू होगा बजट सत्र। ये बदली हुई तस्वीर यूपी विधानसभा की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर अब बदल गई है, क्योंकि यूपी की विधानसभा भी डिजिटल हो गई है। 23 मई से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और उसके अंदर होने वाली सारी कार्यवाही का प्रसारण अब यूट्यूब पर भी किया जाएगा। विधानसभा के अंदर हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए गए हैं। यही नहीं, अब हर विधायक की सीट को भी उनके नाम के साथ फिक्स कर दिया गया है। आपको हम विधानसभा के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे सब सारे टेबल पे लैपटॉप यानी कि टैबलेट लगा दिए गए हैं, और जो भी विधायक क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो इस बार हाथों में कागज़ लेकर नहीं बल्कि इन्हीं टैबलेट के माध्यम से किए जाएंगे। हालांकि पूरी तरह से इसको अभी पेपरलेस नहीं किया गया है। इस बार का जो विधानसभा सत्र होगा उसमें कुछ कागज़ तो होंगे ही, और साथ ही साथ पेपरलेस करने की भी तैयारी है। 23 मई से योगी 2 के पहले बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, और उससे पहले विधानसभा को सजाने संवारने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा की गैलरी का उद्घाटन किया और बेहद शानदार गैलरी ये बनाई गई है। जब सतीश महाना यहां के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इसका रिनोवेशन का काम करवाया और गैलरी को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हम कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे तमाम महापुरुषों की फोटो लगाई गई हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें हैं, और तमाम जेलों की और पार्कों की, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की तस्वीर है, तो ये मंगल पांडे की भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई, तो ये सारी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। और इसी का जो है, इसी गैलरी का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। देश के लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ई विधान का एक कंसेप्ट दिया, उसमें उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने उसको लागू करने की। मेरे पास विधानसभा के जो असाइंड सीट्स हैं वो कम थी, जितने मेंबर्स हैं उन सीटों को बढ़ाना इसलिए आवश्यकता था क्योंकि हर उसके लिए हर सदस्य को एक डिवाइस देनी आवश्यक थी, जो हम लोगों ने टैबलेट उनको दिया। तो पहले 379 सीट थी, अब 403 तो सदस्य हैं, लगभग 14-15 ऐसे माननीय मंत्री हैं जो हमारे विधानसभा के मेंबर नहीं हैं, काउंसिल से आते हैं। तो सबकी सीट बढ़ाने का काम, सबकी सीट के ऊपर टैबलेट उपलब्ध कराने का काम, सारे का सारा, देखिए सारा एजेंडा जो विधानसभा का होगा वो अब ऑनलाइन होगा। विधानसभा की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन होगी। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। 21 मई को विधायकों को मिलेगी ट्रेनिंग। 7 विधायकों को एक बार में दी जाएगी ट्रेनिंग। टैबलेट पर ही मिलेगा बजट। टैबलेट पर पूछे जाएंगे प्रश्न। टैबलेट पर ही देना होगा जवाब। यूपी विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए बड़ा कदम तो उठाया गया, लेकिन फिलहाल इसे पूरी तरह से पेपरलेस नहीं किया गया है। सभी विधायक टैबलेट के साथ ही साथ पेपर का इस्तेमाल भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आगे बढ़ते हैं। काफी लंबे अरसे से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम